स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी रेडी टू कुक उपमा मिक्स और रेडी टू कुक इडली मिक्स घर पे कैसे बना के शुरू करना है। क्योंकि हमारा आजकल लाइफ बिजी इतना शेड्यूल सबका हो गया है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्रेकफास्ट के लिए इनफ टाइम भी नहीं होता सुबह सुबह और बच्चों की टिफिन और जो बैचलर जो कि घर से दूर रहते हैं उनके लिए भी अगर ये साथ में रेडी हो तो उनको बनाने में भी काफी आसानी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम सूजी ली है जो कि थोड़ी मोटी सूजी लेनी है और उसके लिए मैंने ऑयल जो कि 2 बड़े चम्मच है, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च है, मस्टर्ड सीड है, फिर उड़द दाल है जो कि 2 चम्मच है और ये कैश्यू है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना नहीं। ये कड़ी पत्ता है जो कि 15-20 लीव्स लिए हैं और 3 से 4 लाल मिर्च है, हींग के और नमक के। पॉपअप होने लगे हैं आप देख सकते हैं। फिर हमें उसमें उड़द दाल डालनी है, उड़द दाल को अच्छे से हमें भूनना है कि उसका कलर जब चेंज हो जाए, थोड़ा पिंकिश सा हो जाए तब तक। देखो उड़द दाल ने अपना कलर बदल लिया है। तब हमें कैश्यू डालने हैं, और कैश्यू जब थोड़े हो जाए तब हमें हरी मिर्च डालनी है। फिर थोड़ी अच्छे से पक जाए तो हमें कड़ी लीव, कड़ी पत्ता लीव क्योंकि साउथ इंडियन इसमें ये तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ी सूखी मिर्च भी डाल देते हैं और हींग। हींग इसमें थोड़ी जो डालना है थोड़ी ज्यादा डालना है तो इससे उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो देखिए हमारा तड़का अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसी में हम सूजी के ऊपर ही ये डाल देंगे। तो ये तड़का मैंने सूजी के ऊपर डाल दिया है और अब हम अच्छे से उसे मिक्स भी कर लेंगे। जो नमक है वो भी हम डाल देंगे इसमें। और ये अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। तो ये जो है वो उपमा का ये मिक्स रेडी है। उपमा मिक्स हमारा रेडी है और जब भी हमें उपमा बनाना हो तो इसमें हमें 1 कप अगर हमने उपमा मिक्स लिया है तो उसे 2 कप पानी लेना है और पानी उबलने के बाद हमें ये मिक्स डालना है। हम चाहे तो इसमें प्याज का तड़का लगा सकते हैं और साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल्स लाइक गाजर है, मटर है, वो भी डाल सकते हैं तो उससे ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। और इडली बनाने के लिए हम सेम यही बैटर यूज करेंगे, पर 1 कप अगर आटा लिया है तो हमें 3/4 कप कर्ड लेना है और उसे 3-4 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है और फिर हमें
इडली प्लेट को ग्रीस करके उसमें इडली बनानी है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।